हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका मेरे यूट्यूब चैनल फूड एंड स्टिचिंग में स्वागत है। तो दोस्तों, आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपने मेरी और भी वीडियो जैसे कुकिंग, स्टिचिंग और मेहंदी से रिलेटेड वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको सिंपल सूट की कटिंग कैसे करते हैं वो बताने वाली हूँ। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं सिंपल सूट की कटिंग। यहाँ पे सूट बनाने के लिए मैंने 2 मीटर कपड़ा लिया हुआ है। इसके बाद मैं कंधे की कटिंग करूंगी, जिसकी चौड़ाई मैंने 7 इंच ली है। यहाँ पे मैं आपको बोट नेक बताने वाली हूँ। उसके बाद हम अंडर आर्म्स की चौड़ाई लेंगे 5.5 इंच। साइज के अकॉर्डिंग आप इसको बढ़ा घटा सकते हैं। यहाँ पे मैंने चेस्ट की चौड़ाई ली है। उसके बाद उसको 1.5 इंच हम मार्जिन लेंगे। फिर ऊपर से हम कमर का नाप लेंगे। कमर का नाप 12 इंच पे होगा। फिर उसके बाद हम नीचे जो चौक होता है, दाग होता है, उसको लेंगे। उसकी लंबाई हम लेंगे 19.5 इंच। उसके बाद हम ऐसे निशान बना लेंगे। इसके बाद हम सूट की लंबाई लेंगे। सूट की लंबाई मैंने 34 इंच ली है और 1.5 इंच हम उसमें सिलाई लेंगे मार्जिन। अब सूट की जो चौड़ाई होती है, जिसको घेरा बोलते हैं, उसको हम नापेंगे। वो 10 इंच पे मैंने लिया है। उसको खोलेंगे तो 20 इंच मिलेगा हमको। इसके बाद अंडर आर्म्स की गहराई के लिए मैंने 1.5 इंच पे निशान लगाया। अब इसको हम गोलाई में ऐसे कर लेंगे। अब सूट की वो जो निशान है वो लग गया है। अब इसकी कटिंग करेंगे हम। देखिए, मैंने सूट काट के रख लिया है। सूट की कटिंग हो गई है। अब इसके पास जो निशान है वहाँ पर डॉट पे हम ऐसे कैंची से काट लेंगे, ताकि सिलाई करते समय हमें मिल जाए वो। अब मैं पीछे के पार्ट को, यानी बैक पार्ट को, यहाँ पे कटिंग करूँगी। इसके पहले जो मैंने काटा था वो फ्रंट पार्ट है। फ्रंट पार्ट को मैंने इस पर रख लिया है और इसको हमको सेम ऐसे ही कटिंग कर देनी है। देखिए दोस्तों, मैंने पीछे और आगे पार्ट दोनों को ऐसे निकाल लिया है काट के। अब आगे के पार्ट में मैं आपको गले की कटिंग बताऊंगी। पहले मैंने यहाँ पे थोड़ा सा और 1/2 इंच का गहराव लिया है, जो मैं अंडर आर्म्स के गहराव बनाऊंगी आगे के पार्ट में। अब इसके बाद मैं ऐसे कंधे पे गले की कटिंग करूंगी। इसके लिए मैंने 3.5 इंच का निशान लिया चौड़ाई, और लंबाई को मैंने 4 इंच लिया है। बोट नेक की कटिंग ऐसे ही करते हैं। इसके बाद हम इसको ऐसे निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद मैंने इसको ऐसे काट लिया। पीछे के पार्ट को हम अलग कर लेंगे, और फ्रंट वाले पार्ट पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने कटिंग कैसे की है। देखिए, बोट नेक हमारा ऐसे ही आएगा बनने के बाद। सूट की कटिंग हो गई। अब मैं आपको बाजू का कटिंग बता रही हूँ। बाजू की कटिंग के लिए मैंने उसमें से बचा हुआ कपड़ा था उसको लिया है। अब इसके बाद हम इसकी लंबाई लेंगे, आपको जितना लंबा चाहिए। मैंने 4 इंच लिया है और 1.5 इंच मैंने सिलाई ली है मार्जिन। इसके बाद मैंने चौड़ाई 6.5 इंच ली है और 1.5 इंच वैसे ही सेम मार्जिन मैंने लिया है। नीचे से हम गहराव लेंगे 2.5 इंच पे। अब यहाँ पे ऐसे निशान लगा के मैंने बाजू का शेप इसको दे दिया।
बाजू की कटिंग हो गई है। यहाँ पर जो बाजू है उसकी कटिंग मैंने कर ली है, देखिए बाजू ऐसे ही आएगा। अब इसके बाद हम आगे का इस पे गहराव देंगे अंडर आर्म्स के लिए। यहाँ पे आधे इंच में हम निशान लगा के यहाँ से कटिंग कर लेंगे। इसको हम ऐसे काट लेंगे गहराव में, तो जब हम सिलाई करेंगे तो वहाँ पे सिकुड़न नहीं आएगा बिल्कुल भी। यहाँ पे बाजू की कटिंग हो गई है। तो देखिए दोस्तों मेरे सूट की कटिंग हो गई और इसकी स्टिचिंग जो है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और इसको इसकी कटिंग कितनी सिंपल है आपने देखा यहाँ पे। तो दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन घंटी जरूर दबाइएगा, जिससे मेरी अगले आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।